लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है। ये भी इमरजेंसी है। देश में अघोषित इमरजेंसी के लिजलेजे नैरेटिव पर नरेंद्र मोदी को घेरने की ये कैसी छटपटाहट है? राहुल गांधी वादी क्या इस स्तर पर उतर आएंगे कि खालिस्तानी होने के गंभीर आरोपों में घिरे व्यक्ति को लोकतंत्र के मंदिर में यूं ही क्लीन चिट देने लगेंगे? हाँ, अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा का चुनाव जीत कर आया है, तो क्या उस पर लगे आरोपों को चरणजीत सिंह चन्नी के सियासी चुटकुलों से खत्म हुआ मान लिया जाए? 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है। ये भी इमरजेंसी है। आरोपों के मुताबिक पंजाब के अजनाला का ये पुलिस स्टेशन अमृतपाल की सशस्त्र साजिश का बंधक बना था। ऐसा हमला हुआ था कि न सिर्फ पंजाब के एक थाने को बल्कि देश के इकबाल को चुनौती देने का दुस्साहस हुआ था। अमृतपाल ने अपने संगठन वारिस पंजाब दे के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उपद्रव करने के आरोप में बंद अपने साथी लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़वाने के लिए भारत के कानून से भिड़ने की हिमाकत की थी। 2022 में दुबई से भारत लौटने के बाद से खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर वो पहले से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था, लेकिन अजनाला कांड के बाद उसके ऊपर NSA लगा और गिरफ्तारी के बाद से वो असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वहीं से उसने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को हराया है। भारत का संविधान कटघरे में खड़े किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता। न सिर्फ अमृतपाल बल्कि एक और खालिस्तानी समर्थक सरबजीत सिंह खालसा ने पंजाब से लोकसभा का चुनाव जीता है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी इंजीनियर राशिद ने लोकसभा की सदस्यता हासिल की है। चुनाव जीतने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आप पर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसे खत्म कर दिया जाए। अमृतपाल जर्नैल सिंह भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है। अमृतपाल ने अपना हुलिया हूबहू भिंडरावाले जैसा बना रखा है। 1980 के आखिर से लेकर 1990 की शुरुआत तक पंजाब में आतंकवाद की आग लगी थी। ये जर्नैल सिंह भिंडरावाले की लगाई आग थी। उसे बुझाने में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की भूमिका हर हिंदुस्तानी जानता है। बेअंत सिंह को इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी थी। ये महज संयोग था, लेकिन अजब संयोग था कि चरणजीत सिंह चन्नी जब अमृतपाल को बैकअप दे रहे थे तब लोकसभा में बेअंत सिंह के पोते और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां मौजूद थे। चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल पर अपने बयान के बाद बेअंत सिंह के बलिदान पर भी कांग्रेस का कॉपीराइट बताने की कोशिश की। चन्नी की खुद परस्ती का जोरदार जवाब रवनीत सिंह बिट्टू ने वहीं के वहीं दिया। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आप आपको कह दूं, उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। रवनीत सिंह बिट्टू का ये जवाब तो जोरदार था ही, लेकिन अब सवाल उठ गया है, क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी के विरोध में खालिस्तान मुद्दे को भी हवा दे देगी, जबकि खुद उसके हाथ इसमें जल चुके हैं? इंदिरा गांधी की हत्या से भी क्या कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा है? इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहरे कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है, कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। सवाल सिर्फ अमृतपाल पर NSA लगने को लेकर राजनीति करने और बेअंत सिंह की कुर्बानी पर गैर जिम्मेदार बयान देने की ही नहीं है। पंजाब के किसानों को लेकर भी चन्नी ने जो कहा वो तूफान मचाने वाला था। अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो,
मैं बताता हूँ, 4 NSA लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दे दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। चन्नी के इस बयान को ऑथेंटिकेट करने की मांग फौरन हुई। उनको गलत NSA लगाए ये बोला है स्पीकर साहब, ऑथेंटिकेट करे नहीं तो इनके ऊपर की कार्रवाई की जाए। चरणजीत सिंह चन्नी लोकसभा में कांग्रेस की ओर से बजट पर पक्ष रखने आए थे। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों से भेदभाव के आरोप विपक्ष पहले से लगा रहा है। 23 जुलाई को बजट भाषण के बाद से ही क्षेत्रीय दीवार खड़ी की जा रही है। जाहिर है बजट पर 2 टूक बाद तो पीछे छूट गई है। विपक्ष के कैंपेन में पहले क्षेत्रीय बंटवारा दिखा और अब पंजाब के नाम पर खालिस्तान का समर्थन करने के आरोपियों पर भी प्रेम उमड़ आया है। आज एक एक्स-सीएम हो जो वो बिल्कुल ही एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है, किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी NSA किसानों पे लगा हुआ है, और NSA किस पे लगा हुआ है, जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। इन्होंने यहाँ पे कहा किसानों के ऊपर NSA लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात, और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स-सीएम ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे भी किसानों के ऊपर NSA लगा है। जब हमने कहा भी फ्लोर के ऊपर ये आप एविडेंस लाओ, इसे दिखाओ भी कौन से नाम दो, कौन से 4 किसान है जिनके ऊपर NSA लगा है, तो फिर बिल्कुल बैकफुट पे कोई उनके पास जवाब नहीं था। इस बीच जब संसद से अमृतपाल को बैकअप देने की कोशिश दिखी तो ये बात विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी को भी हजम नहीं हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अमृतपाल पर NSA लगाने में उनकी भूमिका है। सर जी चन्नी जी ने की बोलना है पार्लियामेंट से तो उन्होंने हुआ है, पर साडे वालों यह है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेंटेन करने वास्ते जो साडे असी अपने वालों एफर्ट्स कर रहे, क्योंकि मैं कल्ला किसी खास MP का नहीं, मैं 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हाँ। अमृतपाल के सांसद बन जाने के नाम पर उसे खुली छूट देने के खतरे पंजाब की सरकार चला रहे भगवंत मान बखूबी समझते हैं। अमृतपाल 9 साल तक दुबई में रहा है, वहां वो ट्रक ड्राइवर था, उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन आरोपों के मुताबिक जब उसके संबंध खालिस्तान समर्थकों से हुए वहां से सब बदल गया। बताया जाता है कि अमृतपाल इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के प्रमुख लखबीर सिंह के संपर्क में आया। 2022 में जब वो भारत आया तब तक हादसे में मारे गए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे में उसकी पैठ बन गई थी। वारिस पंजाब दे पर अधिकार जमा कर अमृतपाल ने उसे खालिस्तानी गतिविधियों का एक फ्रंट बना दिया, ऐसा आरोप अब उस पर है। सवाल है कि ऐसे आरोपों वाले व्यक्ति के साथ खड़े होने का जोखिम कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेता क्यों ले रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी क्या ये कह सकते हैं कि चन्नी ने जो कहा वो सही कहा। यही चन्नी जब 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब पाकिस्तान सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर खालिस्तानियों से सुरक्षा पर खतरा पैदा किया गया था। चन्नी ने तब भी गैर जिम्मेदार बयान दिए थे और आज भी अपने बयान पर उनको कोई अफसोस नहीं बल्कि वो बात घुमा रहे हैं। मैंने गरीबों पे बात की है, मैंने किसानों की बात की है कि किसानों का जो आप MSP की गारंटी की वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं, तो मैंने पूरे बजट पे चर्चा की है और पूरे देश में जो जो हालात हैं जिस तरीके से देश फाइनेंशियली डूब रहा है उसकी बात की। वैसे चन्नी जब ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो उन्हें लेकर रवनीत सिंह बिट्टू की जुबान भी बहुत तीखी है। सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है, ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.